कैसे आज कर रही थी? ऐसे कर रही थी सेल्फी। मैडम जी, तो आज क्या चल रहा है? आप प्लॉट की तरफ हैं। हेलो ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑल योर ब्लॉग। आज हम लोग क्या है, हमारे पास पुराने गमले पड़े हुए हैं जो थोड़े से टूट फूट गए हैं, जिनका पेंट एकदम निकल गया है, तो थोड़ा सा पेंट भी हमारे पास पड़ा हुआ था। तो सुबह सुबह हमने क्या किया, इनकी थोड़ी साफ सफाई करके इनमें करेंगे हम पेंट और इनमें हम नए पौधे लगाएंगे, तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर की जो मिट्टी है वो सारी मिट्टी निकाल दी है मैंने इनकी सारी, और इनके जो होल है वो बंद हो गए थे, तो अब हम इनमें पेंट करेंगे, उसके बाद इनमें मिट्टी फिल करेंगे, फिर पौधे लगाएंगे, और शायद आज हम ये काम भी करेंगे क्या, उड़ाई भी करेंगे इसमें ना। मैं बता देती हूँ क्या क्या लगा हुआ है। आइए, इधर हमारा छुटकू सा प्लॉट है, तो इसमें पापा ने लगाया था पालक, और इसमें धनिया है, उसमें मेथी है, और राखी का एलोवेरा लगा हुआ है। इधर दिखा देती हूँ, सुंदर राजकुमारी, राजकुमारी हेलो बोलो, से हाय। गॉड, ये सब चल। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पापा ने ये लगाया था तो बारिश की वजह से सारा खराब हो गया था, क्योंकि दो बार बारिश हो गई, तो अभी मैं ये लोकेशन चेंज करने के लिए है मुझे, ये हमारे पेड़ लगे हुए हैं। आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी हमारा जो घर के साइड में प्लॉट है, प्लॉट कम गार्डन कह लो, तो उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और आज हम इसे थोड़ा सा काम भी करने वाले हैं, तो वो सारा हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो गार्डनिंग के ऊपर है, तो लेट्स स्टार्ट। पेंट हो चुका है और सारा क्रेडिट गोज टू मी, शांति ने मेहनत करी, तो ये कुछ इस तरीके के लग रहे हैं। इनमें एक एक बार हो गया है पेंट, अब इनकी डबल कोटिंग होगी, ये सूखेंगे तब होगी इनकी डबल कोटिंग। अभी तो लाइट लाइट दिख रहे हैं, एक बार और करेंगे तब थोड़े सुंदर नजर आएंगे। तब तक हम क्या करते हैं, मैं आपको अपने जो हमारा गार्डन प्लॉट कम गार्डन है उसमें जो पेड़ लगे हुए हैं सुंदर सुंदर से, जो कुछ मम्मी ने लगाए थे, कुछ पापा ने लगाए हैं, और सब ने मिक्स मैच करके शांति ने पौधे लगाए, तो मैं आप लोगों को वहाँ से शुरू करती हूँ, शुरुआत से दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ पापा की किडनैपिंग वाली गाड़ी, और यहाँ है आशु की फैशनेबल गाड़ी, और ये एक्टिव वाली किताब है सब्जी लेने। आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो पौधों के नाम कुछ कुछ मुझे नहीं पता है, तो मैं शांति से पूछती जाऊँगी, वो मुझे हेल्प करेंगे। तो ये कपास का है आई थिंक, और इसमें कपास लगे हुए भी हैं, और इससे हमने बहुत सारी भी निकाली हुई है, रखी हुई है, इससे आरती जो जलाते हैं, तो ये कपास का पेड़ है। इसके साथ ही मेरे साथ में एक फूल का पेड़, नाम क्या है, गुलाब मास नाम है इनका, और ये तुलसी जी है। हमारे घर में आपको तुलसी के बहुत सारे पौधे नजर आएंगे। ये कपास में दिखाती हूँ ध्यान से, ये देखो कपास, रुई अपने आप आती है, फिर इसमें से हम लोग रुई निकाल लेते हैं, ये अभी खिल रहे हैं देखो, इसी में से रुई निकलती है हमारे घर में पूजा वूजा करने के लिए। ये जो पौधा है ये बहुत हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जिनको स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, उसके लिए बहुत हेल्प करता है, इसलिए पापा ने लगाया है। और ये है नीम का, ये नीम का छुटकू सा पौधा भी लगा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये फूल गए, ये किसी फूल का पौधा है, इसका नाम मुझे नहीं पता, बट इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं। और ये है नींबू का पेड़ जो एकदम बेचारे को दबा दिया गया है, इसको भी हटाएंगे हम। ये है हमारा करी पत्ता जो कि बहुत ही मेन है, इसमें कीड़े लग गए थे, अभी थोड़ा ठीक है, तो आशु इसमें पानी डालता रहता है, इसका जिंदा है। तो ओके, सो दिस वन इज गुड़हल तो गुड़हल के इसमें बहुत अच्छे अच्छे से फूल आते हैं, तो दिख ही रहे हैं, सुबह आ जाते हैं और शाम तक टप टपक के सूख जाते हैं, तो ये बड़ा हो गया है थोड़ा सा। हम डिसाइड, ये गुलाब मास लगे हुए हैं छोटे छोटे नीचे, फिर से तुलसी जी, और ये भी जैस्मिन, ये जैस्मिन फ्रेश जैस्मिन का मतलब फूलों के पेड़ ज्यादा है हमारे पास, हमारे वाले प्लॉट में। ओके, ये है सेम गुड़हल का,
तो बहुत सारे इसके फूल आते हैं नीचे। तो और ये हमारी तुलसी जी, आजकल इनका इस्तेमाल किया जा रहा है चाय बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी तुलसी हो गई है। तो बड़ी वाली जो सबसे बड़ी है ना, वो यही है हर श्रृंगार। तो इसके जो फ्लावर है वो देख लो आप, चारपाई में पड़े रहते हैं, यही बहुत प्यारी आती है, झड़ते रहते हैं। इसमें बहुत सारे अभी बीज वगैरह भी लग गए हैं, इसको काट दिया है पापा को, बस काटने के अलावा कोई काम नहीं है। पापा ने इस वाले पेड़ की भी छटाई कर दी है, सैतूत का एक पेड़ है पीछे दिखाऊंगी, उसको भी छाट दिया। ओह यस, एक और रह गया है, ये यहाँ पे 9 बजिया लगाया हुआ था जो कि 9 बजे खिलता है। पापा ने यहाँ पूरा लगा हुआ था, पापा ने सारा उखाड़ दिया है, पापा ने बोला ये थोड़े से में से ही फिर से हो जाएगा, तो उसको निकाल दिया। ये हमारा कचरा पड़ा हुआ है, तो हमारे कचरे वाले भैया नहीं आए, इसको छुपाने वाली कोई बात नहीं है, तो आज हमारे घर में कचरा इकट्ठा हो गया। यहाँ पे रोटी वोटी रखते हैं क्योंकि यहाँ चिड़िया और गिलहरी आती रहती है, और ये पानी हम भर के रख देते हैं, तो यहाँ पे गिलहरी या कोई पक्षी वक्षी है वो पानी पी के जाते हैं। ये कुछ थोड़ा बहुत खाने वाने के लिए रख दिया हमने। अभी कुछ पौधे लगे हुए हैं जो कि अभी बहुत छोटे छोटे हैं। ये है हमारा जामुन का पेड़, अभी जामुन का एक और है शायद कहीं लगा हुआ, वो मैं दिखाऊंगी, है ना, ये जामुन का है। और ये है सहतूत का छुटकू सा, एक बड़ा पेड़ भी है वो भी दिखाऊंगी। ये है इमली का पेड़, पौधा लगा हुआ है अभी तो छोटे छोटे है। ये नींबू का है, ये इनको भी पता नहीं क्या परेशानी है, बढ़ ही नहीं रहे हैं। और ये हरश्रृंगार, और ये जो छोटी छोटी लगी है ना, ये सारी तुलसी है, ये इतनी तुलसी हो गई है घर में। ये है एक छुटकू सा अमरूद का पेड़, और गार्डन में ना अमरूद के बहुत सारे पेड़ हैं, मैंने अमरूद खाए भी, तो ये छुटकू सा भी लगा हुआ है। आप आ जाइए, कम क्लोज है प्लीज। और ये है अमरूद जिसको बांध दिया गया, इसमें इतने अमरूद लगे हुए हैं ना, अभी कच्चे हैं, पके नहीं है, तो पूरी डाली बाहर तक जा रही है, तो इसको बांध दिया अभी हमने। तो अब आगे बढ़े, आइए इधर। पुणे में पहले कचरा दान हुआ करता था किसी जमाने में, यहाँ पे पूरा कचरा भरा था, इसीलिए काला पड़ गया ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ जलाया गया कचरा। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, ये आम का पौधा लगा दिया गया है यहाँ पे, वो जामुन का है, अब ये धीरे धीरे बड़े होंगे, तो इस कोने में ये दो ही लगे हैं। ये कपास का पेड़ लगा हुआ है, और अब हम आगे बढ़ेंगे। ये है जामुन, ये कहीं और लगे हुए थे, क्योंकि क्या होता है ना, एक पेड़ अगर पौधा लगा हो उसके साइड में दूसरा बड़ा पौधा आ जाए तो दूसरा वाला दबी जाता है, तो उसको साइड में कर दिया हमने। ये है हमारे छोटे पपीता राम, ये देखिए, ये बहुत छुटकू से सुंदर बहुत लग रहा है। हमारी राखी देवी, वो देखो दांत निकाल रही है बैठ के, राखी जी का मुंह दिखाया जाए, देखिए। तो वो क्या करती है, उसने ये लगाया है और इसको बस झांक के चली जाती है, तो यहाँ पे देखिए कितने पैर उसने पूरे में अपने छाप दिए, छाप दे कर गई है, यहाँ पे कुछ नहीं करती है, बस इसको देख के जाती है। और ये इसने लगाया ताकि वो अपने मुंह पे लगा सके और अपनी स्किन को और अच्छा और ग्लो कर सके। तो ये है हमारे यहाँ पे एलोवेरा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये है एक अमरूद का पेड़, और ये है बड़ा सा आम का पेड़ जो कि 10-15 सालों में खाने के लिए मिलेगा, अभी नहीं मिलता। और यहाँ पे हमारा अटरम सटरम सामान रखा हुआ है, जाहिर सी बात है जो घर का कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है वो हमने साइड डाला हुआ है। और ये मकौने से लग गए हैं नींबू, जब से मैं आई हूँ 2 सालों से मैं ऐसे ही देख रही हूँ, तो कुछ नहीं लगा हुआ है। ये एक अमरूद का पेड़, और जो इस तरफ है 2-3 वो मैं दिखा देती हूँ, इनमें अमरूद लगते हैं अच्छे। तो एक ये रहा, और एक ये है, और एक ये पीछे साइड लगा। इन तीनों में अमरूद बहुत अच्छे से आते हैं और पकते भी हैं, हम लोगों को बांटते भी हैं, खुद भी खाते हैं। अभी ये कच्चे हैं, इसमें थोड़े थोड़े आने शुरू हुए हैं। इस वाले पेड़ के अमरूद सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं, और ये वाला पेड़ पुराना भी है, इसके मैंने अमरूद खाए भी हैं। अगर अमरूद नहीं दिख रहे हों, कच्चे होंगे अभी, बट दिखा सकते हैं, वो ऊपर लगे हुए हैं। वाला जो पेड़ है, ये सहतूत का पेड़ है जिसकी पापा ने छटाई कर दी है, और इसमें भी बहुत सारे सहतूत लगते हैं, दबाते हैं, और बस वो बात अलग है कि हमें खाने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि हमारी जो टीन है ये जो लगी हुई है ऊपर, ये ट्रबल देती है। और अब हम बहुत थक चुके हैं, क्योंकि अभी हमें एक्चुअली वो करनी थी यहाँ पे गुड़ाई, जो उन्होंने बताई थी ना, वहाँ पे पालक वालक लगाना था, तो आज तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि शांति के बीज भी नहीं है लेके आएंगे वापस। हाँ, बीज नहीं है, तो वो किसी और दिन करेंगी। ये जो गमले हैं इनके लिए पौधे लाने हैं, हमें जाना पड़ेगा नर्सरी, तो जब हम उनको तैयार करेंगे, पौधे लेने जाएंगे, नर्सरी जाएंगे तो नर्सरी भी लेके जाएंगे। चल रहा है भाई, ये पुराना गमला है हमारा, इसको हम आधा करके इसको पॉट में कन्वर्ट करेंगे। ये है मटका, इसको आधा करने के लिए हमारे पास ये आ रही है। इधर हमने जीएस एडवाइस लेकर के पहले कुछ कपड़ा भर दिया ताकि ये चटके ना, खाली मटका है ना, खाली में चटक जाता है। चल रही। और दे रही हूँ आइडिया,
रिया की बात है सुनो। रफिया ने कहा एक आंख नीचे ले तब तो और एक आंख नीचे मतलब विंग करके है और एक आंख एक ऐसी आंख कर ले। कैसे जिया कैसे आंख कर रही थी ऐसे कर ले सेल्फी रफिया और एक आंख ये निकाल डाल लो सब खून हर थोड़ी खून ये लगे पड़े। जैसे कि आगरा में अगर नर्सरी ढूंढ रही हो या पौधे ढूंढ रहे हो तो आई थिंक रामबाग इज अ गुड प्लेस। आपको कोई भटकना नहीं पड़ेगा और यहाँ पे बहुत सारी नर्सरी है। कल मैं एक नर्सरी में आई हूँ जो कि थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी सबके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मुझे सारे पौधे दिख रहे हैं तो हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं। और जो हमने कल पॉट पेंट किए थे गमले घर में उनके लिए हम पौधे खरीदने आए हैं और एक दो हमें और पौधे लेने हैं जैसे कि आंवले का गिलोए का। तो बस अंदर चलते हैं। चलो ठीक है गिलोए का चलो ठीक है गिलोए का चलो आगे से देख लेते हैं। था कि जो बाहर नर्सरी है छोटी सी बस वही है लेकिन जिस नर्सरी में हम आए हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी है सी पीछे और इधर भी। अभी हम लोग जा रहे हैं अंकल हमें लेकर आए अंदर नर्सरी में। यहाँ से हमें आंवले का पौधा लेना है। कुछ हमने फूल लिए हैं और ये करी पत्ता लिया है ये आंवले का पेड़ लिया है। एक और पौधा है वो लेना था लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है बट और सुंदर है फिर भी देखी है गई। और अभी मैं खड़ी हूँ ये नर्सरी का नाम ऊपर डिस्प्ले हो रहा है आरएल कुशवाहा नर्सरी और ये रामबाग में है। और यहीं से खड़े होकर आप देखोगे तो आगे बहुत सारी नर्सरी हैं और इसके अपोजिट साइड पर बहुत सारी नर्सरी है और मैंने आप लोग को अंदर दिखाया है। ये सिर्फ इतना दिख रहा है लेकिन अंदर बहुत बड़ी नर्सरी है। तो जैसे आप लोग पौधे खरीद रहे हो या आप लोग अपने मतलब नर्सरी ढूंढ रहे हो तो आई थिंक ये प्लेस अच्छी है। आप लोग यहाँ से आके हर तरीके के पौधे आप लोगों को। हम लोगों ने अपने जो पूरे पौधे हैं वो गाड़ी में जैसे तैसे सेटल कर लिए पन्नियाँ मांग मांग के और हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। तो ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे बट ये हम प्लांट करेंगे फिर जो हम लोगों ने गमले तैयार किए थे और उनमें जब हम इनको प्लांट करेंगे ना तब आप लोगों को दिखाएंगे। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग रखिए अपना ख्याल हंसते रहिए खुश रहिए और देखते रहिए आरती के ब्लॉग्स। टिल देन टेक केयर बाय बाय।